सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ। सो गाइस, जैसा कि आपने स्क्रीन पे प्रूफ देख लिया होगा, तो अगर आपको भी चाहिए बिल्कुल ही फ्री में ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन, तो मेक श्योर से गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको जो है बिल्कुल ही फ्री में ये एनिमेशन मिल जाएगा। मेक श्योर से गाइस आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए रिडीम कोड को इस्तेमाल करना है, तभी जाके गाइस आपका जो रिडीम कोड है वर्क करेगा और आपको जो है बिल्कुल ही फ्री में ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन फ्री में मिल जाएगा। अगर से मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ गाइस तो मुझे माफ़ करना। और गाइस ये जो रिडीम कोड रहेगा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन से रुको, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और स्किप करके बिल्कुल भी देखने का ट्राई मत करना। अगर से आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्किप करते हुए देखते हुए रिडीम कोड को कलेक्ट भी कर लोगे, लेकिन से आपको जो है कुछ मैटर्स पता नहीं होंगे रिडीम कोड को कैसे इस्तेमाल करना है, तो मेक श्योर से आपने इस बात का ध्यान रखना, आपका जो रिडीम कोड है वो फेल हो जाएगा और आपको जो है ये रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में नहीं मिल पाएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है ये जो रिडीम कोड रहने वाला है वो कब तक वैलिड रहने वाला है। सो गाइस, अपना जो रिडीम कोड रहने वाला है 30 जनवरी से लेके 4 फरवरी 2022 तक वैलिड रहने वाला है। अगर से आप इस डेट के बाद में रिडीम कोड को इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर से आपने इस बात का ध्यान रखना है आपका जो रिडीम कोड है वो वर्क नहीं करेगा और आप जो ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन को नहीं ले पाओगे। सो गाइस, आपने जो है ये भी जानना जरूरी है ये जो रिडीम कोड रहने वाला है ये एक्टिवेट कब होगा और आपको जो है कब इस्तेमाल करना है। ये जो रिडीम कोड रहने वाला है उसका जो एक्टिवेट होने का टाइम होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसी टाइम पे आपने जो रिडीम कोड को इस्तेमाल करना है। अगर से आप दूसरे किसी टाइम पे इस्तेमाल करते हो रिडीम कोड को तो आपका जो रिडीम कोड है वो वर्क नहीं करेगा। और इसी के साथ में आपने ये भी जान लेना जरूरी है ये जो रिडीम कोड है वो लिमिटेड स्टॉक्स में रहने वाला है या फिर अनलिमिटेड स्टॉक्स में रहने वाला है। तो ये जो रिडीम कोड रहने वाला है वो रहने वाला है लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर। डेली जो है सिर्फ 3 जन को ही ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन मिलेगा और इससे ज़्यादा जन अगर इस रिडीम कोड को इस्तेमाल करेंगे तो रिडीम कोड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा और आप जो आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में रिडीम कोड को इस्तेमाल करोगे तो गाइस आपको जो है डेफिनेटली इनवैलिड या फिर ऑलरेडी रिडीम लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने क्या करते हुए रिडीम कोड को इस्तेमाल करना है कि आपको जो है डेफिनेटली ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन मिल जाए। तो गाइस आपने जो है खास करके ट्राई करना है जो भी मैंने डेट और टाइम बताया हुआ है उस टाइम पे आपने जो है रिडीम कोड को सबसे पहले क्लेम करने का ट्राई करना है। तो अगर आप सबसे पहले क्लेम कर लोगे तो आपको जो है डेफिनेटली 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके जो है फ्री फायर के अकाउंट के अंदर आपको जो है ब्रिक्स कैलॉप एनिमेशन मिल जाएगा और आप जो इसे इजीली यूज़ कर पाओगे। लेकिन से गाइस इसी के साथ में आपने इस बात का भी ध्यान रखना है रिडीम कोड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए और आपने जो है ये भी जानना जरूरी है ये जो रिडीम कोड रहने वाला है वो कौन से सर्विस पर वर्क करेगा। सो गाइस मेक श्योर से आपने इस बात का ध्यान रखना है ये जो रिडीम कोड है ब्राजियन, यूरोपियन और जो है सिंगापुर सर्वर पर ही वर्क करेगा। और आपको जो सर्वर ये सर्वर नहीं है और आपको जो सर्वर है वो दूसरा सर्वर है तो आपका जो रिडीम कोड है वो फेल हो जाएगा। लेकिन से आपने गाइस घबराना नहीं है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। जैसे ही आपके सर्वर का रिडीम कोड आएगा वैसे ही जो हम वीडियो अपलोड कर दूँ और आप तक जो रिडीम कोड की वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना होगा, तभी गाइस आप तक जो रिडीम कोड की वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। और आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर से वीडियो को एक लाइक भी दे देना।